भारत में वोट बैंक की राजनीति अल्पसंख्यक तुष्टिकरण से जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दल सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं और अल्पसंख्यक समूहों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। खैर, कक्षा 11वीं के छात्रों को अब 2024-25 के संशोधित पाठ्यक्रम के तहत उनकी एनसीईआरटी पॉल साइंस की पाठ्य पुस्तक में वोट बैंक की राजनीति के बारे में ये सब पढ़ाया जाएगा। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, ये वाक्यांश पिछले साल तक मौजूद नहीं था। रीसेंट संशोधन ने स्कूली किताबों को लेकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। बदलाव की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता पर एक अध्याय में बदलाव किया गया है, जिसमें पाठ्यपुस्तक में ये सवाल उठाया गया कि क्या एक वर्ग का कल्याण दूसरे वर्ग की कीमत पर होता है। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से वोट बैंक की राजनीति में कुछ गलत नहीं हो सकता है, लेकिन केवल तब जब वोट बैंक की राजनीति किसी सामाजिक समूह को किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल के लिए सामूहिक रूप से वोट देने के लिए प्रेरित करती है। ये चुनावी राजनीति को विकृत करता है। हालांकि पिछले एजुकेशनल ईयर में छात्रों को सिखाया गया कि अगर वे क्रिटिकली सोचे तो उन्हें पता चलेगा कि ये सुझाव देने के लिए बहुत कम सबूत मौजूद है जिससे ये साबित हो कि वोट बैंक की राजनीति देश में अल्पसंख्यकों का पक्ष लेते हैं। इस साल ये एकमात्र विवादास्पद बदलाव नहीं है। 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस के संशोधित पाठ्यपुस्तक में अब बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र भी नहीं होगा, जिस स्मारक को 1992 में एक हिंदू दक्षिणपंथी भीड़ ने ध्वस्त कर दिया, अब उसे 3 गुंबद वाली संरचना का नाम दिया गया है। इसके अलावा अयोध्या पर अनुभागों को भी काट दिया गया है। पिछले संस्करण से कई महत्वपूर्ण विवरण हटा दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया, जिस फैसले ने इस साइट पर अब राम मंदिर निर्माण करवाया है। हटाए जाने में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका और बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी शामिल है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो इसी एजुकेशनल ईयर में लागू किया जाएगा। कारण है, एनसीईआरटी ने नए एजुकेशनल ईयर का पाठ्यक्रम बनाया। एनसीईआरटी ने नई किताबों के संबंध में सीबीएसई स्कूल्स को नोटिस भी भेज दिया है, लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा सभी क्लासेस के लिए नहीं हुआ है। जैसा कि बदलावों पर विपक्ष का गुस्सा बढ़ा, एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने चूक को सही ठहराते हुए कहा कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दंगों के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। एनसीएफ 2023 के अनुरूप स्कूलों के लिए किताबें तैयार की जाएंगी। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसी वर्ष 2024-25 के लिए 3री और 6ठी कक्षा को लेकर नया पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें जारी करने का ऐलान किया है। अन्य कक्षाओं के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ने 18 साल बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में संशोधन किया है, जिसका नोटिफिकेशन पिछले साल ही आया था। एनसीएफ में पहले भी 4 बार 1975, 1988, 2000 और 2005 में संशोधन हो चुके हैं। 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में आजाद पाकिस्तान से लेकर चीनी घुसपैठ और पीओके जैसे शब्दों को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर बात किताबों में शब्दों में हुए बदलावों को लेकर है, तो गुजरात दंगों को अब मुस्लिम विरोधी दंगे कर दिए गए हैं। बाबरी मस्जिद को 3 डोम स्ट्रक्चर बता दिया गया है। अयोध्या विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाया गया एक मुद्दा भी बता दिया गया है। चीनी घुसपैठ शब्द की बात करें तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स किताब के दूसरे चैप्टर में पहले लिखा होता था, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को खत्म कर दिया है। वहीं अब बदलाव के बाद इस वाक्य को बदलकर लिखा गया है कि भारतीय सीमा पर चीन की घुसपैठ ने उस उम्मीद को खत्म कर दिया है। वहीं आजाद पाकिस्तान शब्द को पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर बता दिया गया है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। बाकी देश दुनिया की सभी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।